पूर्वी सरकार जो कि अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी, आज जो फैसले लिए गए हैं उनसे पीछे हटती भी कहीं न कहीं नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है? शिक्षा संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था, वही सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी में जहां भाजपा के सियासी फॉर्मूले को इंडिया गठबंधन ने ग्रहण लगा दिया, तो दूसरी तरफ भाजपा के अंदर खाने ही भाजपा का विरोध शुरू हो गया है। जहां कुछ दिन पहले भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं कुछ दिन पहले ही भाजपा के पूर्व मंत्री मोती सिंह अपनी ही सरकार की कमियां मन से गिनाते नजर आए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या सपा की पीडीए के फॉर्मूले के आगे भाजपा की कोर हिंदुत्व की राजनीति कमजोर पड़ रही है? अब ऐसे में सवाल ये भी है कि यूपी के सीएम पर भी सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति और विधायकों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की पकड़ पहले के मुकाबले कम हो चुकी है? वैसे यूपी की भाजपा सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन सियासी उठापटक असर योगी सरकार के फैसलों पर साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में चल रहे अवैध मकानों को लेकर ध्वस्तीकरण के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने अवैध निर्माण को गिराए जाने वाले अपने फैसले को वापस ले लिया है। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में अकबर नगर के बाद आए रहीमन नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर के लोग अपने घरों को अवैध बतलाकर लाल निशान लगाए जाने से काफी गुस्से और दुखी में थे। शनिवार रविवार को इसके विरोध में अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने वाले इलाकों के लोग सोमवार रात अचानक शंख ढोल नगाड़े बजाने लगे। कुकरेली किनारे हर्ष की बारिश होने लगी। स्थानीय लोग सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा गोरखनाथ की जय जयकार करने लगे। रिवर फ्रंट के दायरे में आए रहीमन नगर के कुछ आम लोगों ने कहा कि सरकार ने उनकी गुहार सुन ली है, फिलहाल उनके घरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है। राहुल शर्मा ने कहा कि हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे घर अवैध कैसे हो गए। मांग की जा रही थी कि ध्वस्तीकरण को रोका जाए, हमारी मांग मानकर बड़ी राहत दी गई है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के वीसी रहे इंद्रमणि त्रिपाठी के तबादले और नई वीसी की तैनाती के बाद अटकड़े लगाई जा रही थी कि कुकरेली रिवर फ्रंट पर बने घरों के ध्वस्तीकरण की मुहिम पर असर पड़ सकता है। कहा जा रहा था कि नए उपाध्यक्ष का पूरा प्रोजेक्ट समझने में समय लगेगा। अब ऐसे में सौंदर्यीकरण का काम फिलहाल अधर में लटक सकता है। नोटिस मिलने के बाद कई लोग घरों की रजिस्ट्री के साथ विरोध कर रहे हैं, उनके सवालों में भी अफसर असहज हो रहे थे। सोमवार को एलजीए सिंचाई विभाग प्रशासन की टीम भी इन इलाकों में नहीं गई। वहीं चर्चा है कि सोमवार शाम को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कुकरेल रिवर फ्रंट की जद में आए मकानों के मसले पर चर्चा भी हुई। हालांकि शासन और प्रशासन के स्तर से खबर लिखे जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई है या नहीं। प्रभावित इलाकों के बच्चों ने भी सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके घरों को बचाने की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि बच्चों और महिलाओं की मेहनत रंग लाई, उनके घर बच गए। इन सबसे इतर भाजपा के यूपी में सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी लखनऊ में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को आईना दिखाया और कहा बुलडोजर सिर्फ माफियाओं के लिए होना चाहिए, ना कि आम लोगों के लिए। ये चीज बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है? लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपते हैं और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो वो तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने, एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसके वजह से, तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी में माफियाओं पर चलना चाहिए, बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली कर। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे विस्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहाँ जाएगा? तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है, पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, अब तब विस्थापित किया जाए। तो आपके कहने का मतलब अपराधियों के साथ साथ निर्दोषों पर भी? भाई बहुत केस ऐसे हैं जो आराम से, गरीबों पर क्यों चलेगा आज के दिन में?
जो 100 साल से है, 50 साल से है, अधिकारियों से है, अभी चल रहा है ना, रजिस्ट्री पेपर है, कैसे रजिस्ट्री हो गई, जिन्होंने रजिस्ट्री की उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया, अधिकारी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ शासन प्रशासन था। और आज उतने दूर है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को उजाड़ दिया जाएगा तब सब, तो एक माहौल एक तो ऐसे खराब है, दूसरा अधिकारी और माहौल खराब कर रहे हैं, तो एक मतलब विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों के दर्द भी समझने हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे भले मेरा वोटर हो चाहे न हो, सरकार में आने के बाद हम सबके हैं और सबके दर्द समझते हैं। वही आज दूसरी खबर लखनऊ से ये है कि जहां ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश दिए गए थे। शिक्षा संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। विवाद कहानी निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। देखिए, विवाद कहानी निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी, इसके विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि योगी सरकार, जो कि अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी, आज जो फैसले लिए गए हैं उनसे पीछे हटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या ये असर लोकसभा चुनावों का है या फिर विधानसभा चुनाव में अपनी छवि को सही करने के लिए, विधानसभा चुनाव में इसका असर न पड़े, इसके लिए सरकार ये फैसले ले रही है। आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।